नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूँ वैष्णवी कतलकर आपके साथ। आज 25 जून है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। जिला बांका विभाग की ओर से काम का ठेका प्राप्त करने बैंक संचालक तथा ठेकेदार ने तैयार किया बनावट एफडीआर। बांडा फुटते ही जिला बांधकाम अभियंता की शिकायत पर दर्ज की गई शिकायत, जिससे राजकीय क्षेत्र में मच गया है हड़कंप। यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पाटन शाखा से 18,10,000 के कुल 16 बनावटी पावती बनाकर प्रस्तुत किए जाने की जानकारी। ब्रह्मपुरी में नाले नालियों की सफाई ना होने से नागरिकों में है रोष। पिछले 3 सालों से नहीं की गई है नालियों की सफाई, जिससे स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है खतरा। बार बार निवेदन देकर भी इस ओर नजरअंदाज करने से नाराज नागरिकों ने एक बार फिर नगर परिषद के मुख्याधिकारी को सौंपा है निवेदन। पिछले 16 महीनों से शुरू डेरा आंदोलन पर मुंबई उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। 6 जुलाई के अंदर ठेका कर्मियों का वेतन जमा करने के आदेश न्यायालय ने चंद्रपुर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर अशोक नितनवरे को दिए हैं। राज्य परिवहन मंडल ने खरीदे 5,000 नए स्वाइप मशीन। अब कैश न होने पर भी फोन पे, गूगल पे तथा UPI से भी टिकट खरीद कर यात्री कर पाएंगे यात्रा। सांगली में तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी और देवी शक्ति से पैसे की बरसात करने का दावा करने वाले और लोगों को लाखों रुपयों से ठगने वाले 4 तांत्रिकों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक इन ठगों ने एक शिकायतकर्ता को 15 लाख से ठगा था, जिसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की गई। इस मामले में एक आरोपी फरार होकर, उस आरोपी की तलाश जारी है। चिरौली के धानोरा में राह चलते व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही हुई मौत। हादसे के बाद वाहन चालक मौके स्थल से फरार हुआ, जिसकी तलाश में पुलिस की छानबीन जारी है। वनी के जतरा मैदान पर राहगीरों को हो रही परेशानी के चलते रास्ते पर स्थित मटन विक्रेता को दुकान हटाने की दी गई थी सूचना, जिसके बाद मटन विक्रेता द्वारा बकरे काटने के सत्तूर से प्रभारी आरोग्य निरीक्षक को दी गई जान से मार देने की धमकी। 35 वर्षीय मटन विक्रेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस इस संबंध में कार्रवाई कर रही है। वनी में खेतों में काम के दौरान पोल के मीटर पेटी से इलेक्ट्रिक करंट लग कर गई एक किसान की जान। सुनील टेकाम, उम्र 33, ऐसा मृत व्यक्ति का नाम है जो वनी के गोखले नामक किसान के यहाँ मजदूरी पर काम किया करता था। MEL प्रभाग के झोपड़पट्टी परिसर में बढ़ रही है गंदगी। बड़े छोटे नालों की सफाई ना होने से सुअरों का आंकड़ा भी बढ़ता नजर आ रहा है। मनपा आयुक्त को इस संबंध में एक निवेदन दिया गया और आने वाले 7 दिनों में इस परिसर की स्वच्छता नहीं की गई तो मनपा में सुअरों को छोड़ने का इशारा दिया गया है। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।